अभिषेक शर्मा एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें आज अपन बात करेंगे कि योस्ट एसईओ से अपन एसईओ करते हैं तब कौन कौन सी चीज़ें अपने को फेस करनी पड़ती है, कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स अपन फेस करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और योस्ट एसईओ कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे। सो गाइज, पहले अपन बात करेंगे कि योस्ट एसईओ कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आप देख रहे थे यूनी अकेडमी यूट्यूब चैनल, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्लगइन्स, प्लगइन्स में एड जो भी अपने को यहाँ पर सर्च करना है, एड न्यू प्लगइन्स करेंगे आप यहाँ पे जाके, एड न्यू प्लगइन में जाके योस्ट एसईओ सर्च करेंगे, उसके बाद में आपके पास ओपन हो क्या आएगा, योस्ट एसईओ जो मैंने पहले से इंस्टॉल करा हुआ है। तो यहाँ पर गाइज इसमें एफएक्यू दे रखा है, प्रीमियम सपोर्ट दे रखा है, सेटिंग्स दे रखी है और डीएक्टिवेट और एक्टिवेट दे रखा है। तो मैंने एक्टिवेट कर दिया, आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पे जाके। उसके बाद में आप योस्ट एसईओ, आप कोई भी अपनी जो आपने बनाई हुई है, कोई आर्टिकल लिखा हुआ आपने तो उसका आपको एसईओ करना है, तो योस्ट एसईओ में सेम एक सीरीज स्निपेट वगैरह ऐसे एडिट करना है आपको। तो देख रहे प्रीवियस मोबाइल रिजल्ट डेस्कटॉप, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन देता है कि आपको मोबाइल पे देख सकते हैं आप कैसा दिखेगा, और डेस्कटॉप पे देखेंगे आप कैसा दिखेगा। डेस्कटॉप पे देखेंगे तो आप ऐसा दिखेगा आपको, और यहाँ पे मोबाइल रिजल्ट देखेंगे तो आपको मोबाइल के शेप में दिखाई देगा। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि अपने में आर्टिकल, और जो आर्टिकल है उसके अपने को यूआरएल भी जनरेट करने पड़ती है, इसको टाइटल भी देना पड़ता है अपने को, और मेटा डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ता है। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, जब अपन रैंक मैथ के थ्रू अपन एसईओ कर रहे थे एडिट स्निपेट में जाके, तो वही सेम आपको ध्यान रखना है। इसमें भी आपको सेलेक्ट बनाना पड़ेगा, सेलेक्ट को वो ये बोलते हैं अपनी जो अपनी यूआरएल होती है, जो आप देखेंगे ऊपर ये यूआरएल, ये इसके नीचे यूआरएल आ रही है। तो गाइस इसमें यूआरएल का ये ध्यान रखना, और आप यहाँ पे जाके एसईओ एनालिसिस कर सकते हैं, जो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही है आपको, जो गुड रिजल्ट है वो आपको नीचे दिखाएगा, जो प्रॉब्लम्स है वो आपको ऊपर दिखाएगा। तो इसमें देखो डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन है, फोकस कीवर्ड जो आपने सर्च किया था वो डालेंगे आप एसईओ। सो आप एसईओ देख रहे हैं तो आप एसईओ पे नीचे जाके देखेंगे, ये गाइस आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स है, जो आपने अच्छे से कंट्रोल कर लिया, आपने हैंडल कर लिया इसको, तो ये प्रॉब्लम्स है। तो की फ्रेज इंट्रोडक्शन, की फ्रेज आपको डालने, जो भी आपने की फ्रेज जो बनाई है, एंटोनिमस सिनोनिमस जो भी आप है इनका यूज करें, इससे आपकी मतलब कंटेंट रीडेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है और कंटेंट इजीली कोई रीड कर सकता है, जिससे आपकी यूजर फ्रेंडली या क्लाइंट फ्रेंडली आपकी वेबसाइट बन जाती है। की फ्रेज डेंसिटी, डेंसिटी कम से कम 3 times होनी चाहिए, बट जो भी आप है ना की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आप की फ्रेज यूज करेंगे, की फ्रेज इन सब हेडिंग्स, की फ्रेज को अपन सम हेडिंग, जो सब हेडिंग्स बनाई थी आपने, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि सब हेडिंग्स बनानी चाहिए अपनी वेबसाइट में अपने कंटेंट में, तो उसमें आप की फ्रेज यूज़ करेंगे। की फ्रेज इन टाइटल, की फ्रेज आप टाइटल में भी यूज़ करें। अब जो गुड रिजल्ट है, तो आप देखिए आउटबाउंड लिंक, गुड जॉब, तो आउटबाउंड लिंक ये होती है कि आपने किसी दूसरी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट पर लिंक बना के लिंक में डाला हुआ है बना के, तो वो आउटबाउंड। इंटरनल होती है, इंटरनल जो अपनी वेबसाइट पर अपन दूसरी पोस्ट को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं यूआरएल के थ्रू, तो आप यदि उस URL पर क्लिक करें तो आपकी वेबसाइट के दूसरे पेज पे जाएं, आपको दूसरी पोस्ट पे जाएं, तो उसे इंटरनल लिंक कहते हैं। की फ्रेज लेंथ, कुछ जो की फ्रेज जो आप की फ्रेज डाल रहे हैं उसकी कम से कम लेंथ अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको इजीली आप या आपका क्लाइंट समझ सके। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, लेंथ इतनी रखो मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ की कम से कम 60-70-80 वर्ड्स तक की होनी चाहिए, जो आपको ये प्रोवाइड करवाता है, इससे ज़्यादा की आपको नहीं होनी चाहिए। प्रीवियस यूज की फ्रेज, तो की फ्रेज कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 times यूज करें, और ज़्यादा कम से कम 1 या 2 बार बट यूज़ ज़रूर करें आप, जिससे आपका कंटेंट अच्छा बनेगा। इमेज एट्रीब्यूट्स, तो मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको, जो भी आप इमेज डाल रहे हैं उसमें ओल्ड टेक्स्ट है जो आप डाल रहे हैं वो आपका, उसमें आपको फोकस कीवर्ड यूज़ करने पड़ेंगे। ऐसे टाइटल भी आपको डालना पड़ेगा, की फ्रेज इन स्लग, तो ये आप चीज़ों का ध्यान रखें गाइस। इसमें आपको ये जो स्टैचू का आपको मैंने ओवरव्यू दिया है, ये आप चाहते हैं कि मैं इसका पूरा आपको डिज़ाइन करके बताऊं कि कौन कौन से आउटबाउंड लिंक कैसे बनाते हैं, इंटरनल लिंक कैसे बनाते हैं, की फ्रेज लेंथ और इनका सबका कैसे यूज़ करते हैं, तो आप मैं जो अलग से कोर्स डिज़ाइन किया हुआ होंगे 199 का, तो आप बाई कर सकते हैं उसको, वो अभी मैं जल्दी से जल्दी लॉन्च करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, डिस्कस करें।